नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के हूँ बैद्यनाथ कंपनी का मयूर चंद्रिका भस्म, जो कि झांसी यूनिट के द्वारा तैयार की जाती है मयूर चंद्रिका भस्म। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस भस्म के बारे में कि ये किन दिक्कतों में यूज की जाती है और क्या मात्रा रहती है इसकी और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, क्या कीमत रहती है और कितने ग्राम का पैक है। तो ये सभी टॉपिक्स रहेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बैद्यनाथ के मयूर चंद्रिका भस्म की, जो कि नाम से ही समझ सकते हैं कि मयूर मतलब मोर के पंख से ये भस्म तैयार की जाती है। और ये जो हम लोगों के शरीर में अक्सर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हिचकी आने लगती हैं और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, खाना खाने में या पानी पीने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, इसके अलावा सांस या की दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, अस्थमा की शिकायत हो जाती है, तो उन सभी दिक्कतों में इस भस्म का उपयोग किया जाता है। ये भस्म जो है वैद्य के द्वारा जो है दी जाती है, प्रेस्क्राइब की जाती है। तो ये मुख्य जो उपयोग रहते हैं उसमें यही रहता है कि मितली है, उबकाई आ रही है, उल्टी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर जो है हिचकी बंद ही नहीं हो रही है और दवाई भी खा रहे हैं, कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो उसके बाद में आप इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, आयुर्वेदिक उपचार ले सकते हैं, जिससे कि आपकी हिचकी की प्रॉब्लम जो है, जो बार बार आने वाली हिचकी, से निजात मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज की। तो ये 5 ग्राम का पैक रहता है और जिसकी कीमत रहती है 164 रुपये। तो 164 रुपये में 5 ग्राम का पैक आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, या फिर इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करना होता है। तो जिन लोगों को हिचकी की प्रॉब्लम है, बार बार हिचकी आ रही है, तो उस कंडीशन में इसको आप, अगर युवा वयस्क हैं तो आप 125 से 250 मिलीग्राम में इसको आप सुबह और शाम शहद के साथ में इसका सेवन करें, या फिर जो है अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से डोज जो है वो डिवाइड की जाएगी, दी जाएगी, और वयस्कों में 125 से 250 मिलीग्राम में इसको आप सुबह और शाम, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको 3 से 4 बार भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हर 2 घंटे में। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दमा की शिकायत है, दम फूल रही है, तो उनके लिए जो है ये शहद के साथ में हर 15 से 20 मिनट में जल्दी जल्दी जो है दी जाती है, जिससे कि जब मरीज़ अच्छा फील करने लगे कि हाँ आप सही आराम मिल गया है, तब बंद करनी होती है, नहीं तो लगातार इसको जो है देना होता है। और इसका अगर 3 से 4 महीने अगर रेगुलर सेवन करता है दमा का मरीज़ या अस्थमा की शिकायत है जिसको, तो उसको जो है काफ़ी आराम हो जाता है 2 से 3 महीने में। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आयुर्वेदिक औषधि है, आयुर्वेदिक भस्म है, तो किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये गर्भवती महिलाएं जो रहती हैं उसमें भी इसका सेवन जो है सुरक्षित रहता है, तो वो महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं जिनको गर्भधारण के दौरान बार बार जो है उबकाई या उल्टी महसूस हो रही है, उल्टी लग रही है, तो उन महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी अच्छा अच्छी औषधि है, तो वो महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस प्रकार की ये पैकिंग निकलती है इस बॉक्स के अंदर और कांच की शीशी में, और कीमत बताई दी 5 ग्राम का पैक 164 रुपये में। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।